हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 1200 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और कल एक बहुत बड़ी रैली जरूर इसमें आई थी। आप देखिए, 27 रुपए अप रहा था, ये 2.5% की तेजी इसमें देखने को मिली थी और 1219 रुपए पर शेयर जरूर क्लोज हुआ, लेकिन 1232 रुपए तक का हाई इसने बनाया हुआ था। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1220 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम नजर करें तो एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आप देखिए 9.5% का ग्रोथ है। 880 रुपए के ऊपर शेयर गिर गया था, बाद में बाउंस बैक करता गया। देखिए, तेजी आई, फिर एक दो लोअर सर्किट लगी, फिर एक बड़ी अपर सर्किट लगी, फिर लोअर सर्किट लगी, फिर अपर सर्किट लगी, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक लोअर सर्किट लगती है, लेकिन जितनी लगती है उससे कई ज्यादा बड़ी अपर सर्किट आने वाली एक दो दिन में लग जाती है। तो ये एक अच्छी पहचान होती है किसी भी स्टॉक में। और आप देखिए, 880 रुपए के ऊपर शेयर अभी आ चुका है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 8% की गिरावट देखने को मिली है। 1600 रुपए के प्राइस से शेयर गिरता हुआ नीचे आया था, 880 रुपए तक पहुंचा, बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, बढ़िया शानदार बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 73% का ग्रोथ है। अब देखिए, 650 रुपए तक का लो था, तेजी आई, गिरावट आ गई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। अब यहां से फिर से तेजी की तरफ ये शेयर जरूर जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन 1600 रुपए का जो ये प्राइस है, यहाँ पर हाई जो बना था उसको बीट ये शेयर जरूर करेगा। और आपको जो ग्राफ है वो इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 7,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अगर हम बात करें एनएससी में तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। दिसंबर क्वार्टर पे अगर आप नजर करेंगे तो 11,640 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। पिछले क्वार्टर में 11,260 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल 10,250 करोड़ का मुनाफा। तो भैया, जो इनका प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है और ये काफी बड़ी और अच्छी बात है किसी भी कंपनीज में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वाकई में एक लीडिंग कंपनी, हम कह सकते हैं लीडिंग कंपनी है ये, और काफी बड़े इनके और काफी बढ़िया इनके बिजनेसेस है ये भी हम कह सकते हैं। और इनका बिजनेस जो है वो रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और उसके साथ साथ टेलीकॉम और रिटेल का भी इनका बिजनेस है, और वो सारे बिजनेस अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। और अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो एक बड़ा फायदा टेलीकॉम में इनके बिजनेस को हमें आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ प्लान में 14 से 35% का ग्रोथ देखने को मिल चुका है। अब देखिए, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि 47% की होल्डिंग थी पिछले साल, वो इंक्रीज होकर 50% हो चुकी है। FIS ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, 24.51% है। म्यूचुअल फंड के पास 5.25% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.51% की होल्डिंग है, नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास 11.49% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक भी शेयर प्रमोटर के गिरवी नहीं है। 86 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 1260 FIS ने पैसा लगाया है, प्रमोटर भी था। ये होल्डिंग यहाँ पर किन के पास है, देवर्षि कमर्शियल 11.21% की होल्डिंग है इनके पास। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर यहाँ पर LIC है, जिनके पास 6.15% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.73% की देखने को मिली है। डिविडेंड भी पे कर रहा है, 65% का, मतलब 6.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक और जो बड़ी खबर निकल कर ये आई है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट डेट है वो गिरेगा, मतलब कम होगा, डिस्पाइट इसके गिरेगा क्यों, उसके बावजूद जब वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है एनर्जी, रिटेल डिमांड और डीले इन असेट सेल, उसके बावजूद इनका जो कर्जा है वो कम होगा, ऐसी रिपोर्ट है। देखिए, अभी हाल का क्या हो रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है, और कर्जे के बोझ के तले कंपनी दब चुकी थी। और इसके रिगार्डिंग एक बड़ी गिरावट भी आई थी, लेकिन बाद में जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई जब, और उसमें मुकेश अंबानी जी ने कहा कि वो 18 महीनों के अंदर जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखाएंगे, और उसके लिए उन्होंने प्लान भी रिप्रेजेंट किया था, सऊदी अरब के साथ इनकी डील थी, असेट्स भी ये लोग सेल कर रहे थे, और
और भी काफी सारी अपडेट्स यहाँ पर देखिए, बीपीसीएल को भी अपने थोड़े असेट्स बेचने वाले थे, जियो के लिए भी ये लोग अलग से डील कर रहे थे, तो काफी सारे यहाँ पर इनके असेट्स सेलिंग के थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग एनर्जी डिमांड को लेकर, ठीक है, एनर्जी को लेकर। डिस्पाइट ऑल रिटेल डिमांड भी अभी कम होगी क्योंकि भैया लॉकडाउन चल रहा है, तो रिटेल डिमांड जो होती है वो भी कम है, और जो असेट्स ये लोग बेचने वाले थे उसमें भी डिले हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद इनका कर्जा कम हो रहा है, ये सब होने के बावजूद इनका कर्जा कम हो रहा है। ये है कि आरआईएल कैन बी रीप्राउड एट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली स्लोविंग कैपेक्स बाय द थर्ड बियॉन्ड कोविड-19, आरआईएल इमर्ज स्ट्रॉन्गर एज कंपटीटर फेस हाई डेब्ट चैलेंजेस एंड स्लो इन्वेस्टमेंट। मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना के चलते बहुत सारे इनके जो कंपटीटर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर और अपने कंपनी को रन करने के लिए, इवन कैश फ्लो को लेकर। लेकिन रिलायंस में ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। रिलायंस में ये है कि भैया ये लोग अपना कर्जा ऐसी सिचुएशन में भी कम कर रहे हैं जबकि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, और तो और इनके जो असेट्स बेचने की बात हो रही थी उसमें भी डीले हो रहा है, तो उसके बावजूद ये लोग कम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। रिलायंस की अगर हम बात करने जाए तो अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग बहुत अभी भी बढ़िया है, यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग बढ़िया है रिलायंस की। पीई 20.97 है, इंडस्ट्री पी 14.49 है, बुक वैल्यू 639 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.91 है, डिविडेंड 65 है, ईपीएस 58 है, और डिलीवरीज 33 के आसपास देखने को मिल रही है। आप देख सकते कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 55% लोग यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 38% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो कर्जा इनके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कोई उतना बड़ा नहीं है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी उसके बारे में बताया कि भैया किस तरीके से ये लोग अपने असेट्स बेचने वाले हैं, किस तरीके से वो लोग आने वाले दिनों में इसको लेकर प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात कि भैया हर क्वार्टर में कंपनी 10 से 11 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कर रही है, और ये काफी बड़ी और काफी अच्छी बात है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड हम इसको कह सकते हैं। और काफी बढ़िया है यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी, अगर आप देखिए 47% थी पहले प्रमोटर की, 50% है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि भैया प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, और बाकी जो बड़े लोग हैं एफआईज यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि होल्डिंग कम की है लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा दी है। तो ओवरऑल मैं अभी भी कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री एक बढ़िया और तगड़ा शेयर है, आप इसमें कभी भी दाव खेल सकते हैं इस गिरावट में। लेकिन अगेन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसी तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप देखो गिरावट आई फिर तेजी आई फिर गिरावट आई फिर तेजी फिर गिरावट फिर तेजी फिर 2-3 गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट फिर तेजी, तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा, इसका ग्राफ आपको आने वाले दिनों में भी जैसे कि पिछले 3 साल का है वैसे ही देखने को मिलेगा। एक तेजी आएगी तो थोड़ी सी गिरावट भी आ जाएगी, फिर तेजी आएगी फिर गिरावट आ जाएगी, तो आप चाहे तो जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। मैंने खुद 1,000 रुपये के प्राइस के ऊपर यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी की थी, छोटी क्वांटिटी इसमें फंसाई थी, और अब जैसे जैसे शेयर आगे बढ़ेगा मैं थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीदूंगा आने वाले दिनों में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप में पेशेंस है कि आप कम से कम 1 साल तक तो इसमें निवेशित रह सकते हैं तो आप जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन अभी भी हटा नहीं है, लॉकडाउन को हटने में टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आई। कल को अगर अनाउंसमेंट होती है कि भैया लॉकडाउन 20 दिन तक एक्सटेंड हुआ है, 2 हफ्ते तक एक्सटेंड हुआ है, तो शायद ये जो चार्ट ऊपर है वो कुछ टाइम के लिए नीचे जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने को आएगा वापस से ये शेयर इसी तरीके से बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और इस बीच ऐसी कई सारी पॉजिटिव खबरें भी रिलायंस को लेकर आ जाएगी, जैसे कि बीच में खबर आई थी कि भैया फेसबुक निवेश कर रहा है, और तो रिलायंस ये 25,000 करोड़ रुपए का ये लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो ऐसी खबरें आती है जिससे शेयर में और बड़ी तेजी और जान आ जाती है। और अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास काफी तगड़ा और काफी बढ़िया है, और ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें कभी मंदी नहीं आने वाली है। क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए थे जिससे शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और तो रिटेल भी इनका अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, तो शेयर में कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। जरूर अगर जिन्होंने खरीदा है वो और लॉन्ग टर्म का वो लोग पेशेंस रखते हैं खरीद
इसमें बने रहने के लिए, तो जरूर यहाँ पर बने रहे। और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया आपने कम से कम 1 साल 1.5 साल तक इसको होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।